स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। आज बायो पॉइंट की क्लास में बात करेंगे कुछ स्पेशल फेनोमेनन जो कि एसोसिएटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन। आज के वीडियो में बात करेंगे एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बारे में, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के बारे में जिसको RME कहते हैं। पूरी डिटेल स्टडी आज हम लोग करेंगे, आप है अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ये फेनोमेनन है क्या, तो ये वो फेनोमेनन है जिसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है और कोई भी मॉलिक्यूल सेल से बाहर आता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है जो कि एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा सब्सटेंसेस को इन एंड आउट करते हैं। एक्सोसाइटोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इट मींस एग्जिट और एक्सपेल और एलिमिनेट द मटेरियल फ्रॉम द सेल। इट मींस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सेल से बाहर करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेल वोमिटिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को सेल से बाहर करते हैं। इसको ईफेजी के नाम से भी जानते हैं और इसको इमीसाइटोसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर इन तीनों से आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाइए एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात हो रही है। बात करें यहां पे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनको बाहर किया जाएगा, तो सबसे पहले यहां पे हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। मेनली इनको बाहर करने का काम होता है। यहां पे हम लोग डायग्राम से समझे तो ये देखिए आपका गॉल्गी बॉडी है जो कि क्या करता है, सेल में पैकेजिंग का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। आपने पढ़ा हुआ है गॉल्गी बॉडी क्या करता है, जो भी सेल में एक्सेस सब्सटेंस है, ये इनर साइड द सेल मेम्ब्रेन आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहां पे जो भी पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको किस सेल से बाहर करना है, जिनकी किस सेल को जरूरत नहीं है, वो क्या करता है, उसको सिक्रीटरी वेसल्स में पैक करता है। सिक्रीटरी वेसल्स में आप देख रहे हैं पैक हो गया, और अगली प्रोसेस में बात करें तो उसको धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के पास लाता है, और सेल मेम्ब्रेन से आप देखें तो अटैच होकर के सिक्रीटरी वेसल्स को क्या किया कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से और सेल वॉल अपने को फिर से रिमेन पोजिशन में ला देती है। तो ये प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस का, जिसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, सब्सटेंसेस को एग्जिट किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, इसको सेल वोमिटिंग और ईफेजी के नाम से जानते हैं। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब होता है इनटेक और अपटेक ऑफ मटेरियल इन द सेल। इट मीन सेल के अंदर कोई सब्सटेंस अगर आता है, यहां पे जैसा आप देख पा रहे हैं एक्सोसाइटोसिस में, तो सेल से सब्सटेंस बाहर जा रहा है। यहां पे देखें तो इनटेक ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर आने की प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए सेल ये प्रोसेस करता है, जो कि फूड वगैरह हो सकते हैं, लार्जर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको कि सेल की जरूरत है। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का होता है जिसको कि बहुत अच्छे से आपको सीखना है। एक है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो चलिए बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड फैजियन, इसका मतलब होता है टू ईट, और काइटोस जिसका मतलब होता है सेल। इट मींस सेल के ईटिंग की प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्योंकि ये इंडोसाइटोसिस का पार्ट है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जब कोई सब्सटेंस आता है तो उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। हम लोग बात कर रहे हैं फैगोसाइटोसिस का, जिसमें इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, इट मींस सेल के अंदर सब्सटेंस जो आएगा वो सॉलिड पार्टिकल्स आएंगे, इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग, क्योंकि सेल में ईटिंग की प्रोसेस हो रही है, तो इसको हम लोग सेल ईटिंग के नाम से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें यहां पे इसका वेल नोन एग्जांपल, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डाइजेशन ऑफ अमीबा की प्रोसेस जो है वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है। बहुत पूछा जाता है आपसे क्लास 10th में, तो अमीबा। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो 100 बिलियन पर डे जो ह्यूमन की आरबीसी होती है वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और सेल के द्वारा बाकी अदर फंक्शन में यूज किया जाता है, जैसे बात करें हीमोग्लोबिन वगैरह के बनाने में। यहां पे हम लोग बात करें मटेरियल जो सेल के अंदर आ रहा है, जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, ये जो मटेरियल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बात है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पोर्शन में सेल के बाहर की बात है। यहां पर मटेरियल जो है क्या हो रहा है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन हो रहा है, अगले में देखें तो यहां पर जो ये वेसल्स हैं ये बनते चले जा रहे हैं, और अगले में
देखें तो ये वेसल्स बन करके तैयार हो गए और पूरी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज हो गई, सेल वॉल एज इट इज हो गई, एंड जो मटेरियल है वो फूड वैक्यूल और फैगोसोम के नाम से जाना जाता है, फूड वैक्यूल के फॉर्म में और फैगोसोम के फॉर्म में यहां पे देखिए क्या हो गया, आकर के सेल के अंदर प्रेजेंट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए अब समझते हैं पिनोसाइटोसिस को। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड पेनियन, इसका मतलब होता है टू ड्रिंक, और काइटोस सेल, इट मीन सेल के ड्रिंकिंग की प्रोसेस होती है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इंटेक ऑफ सेल अ टिनी ड्रॉपलेट्स, लिक्विड फॉर्म में जब किसी सब्सटेंस को सेल इन करता है तो उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, इसको सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल ईटिंग, व्हाट इज सेल वोमिटिंग, व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। बायो पॉइंट लगातार इस तरीके से आपके लिए वीडियोज लाता रहता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहां पे हम लोग देखें तो पिनोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। यहां पे जो आप ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये ड्रॉपलेट्स हैं। आप देखिए कि कैसे वो इन हो रहे हैं। यहां पे देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड होकर के इन सब्सटेंस को इन कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से एग्जैक्ट रिमेन सेम हो गई और ये देखिए ये जो पिनोसाइटोटिक वेसल्स हैं ये सेल के अंदर आ गए। इस तरीके से सेल क्या करता है, लिक्विड सब्सटेंसेस को अपने बॉडी के इन कर। जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इनर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है। तो आप इस तरीके से पिनोसाइटोटिक वेसल्स को आप देख रहे हैं और किस तरीके से सेल ड्रिंकिंग करता है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं एक स्पेशल प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ऐसा तो है नहीं कि सारे सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, तो ये सारे सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता है। कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल के इन करता है और कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल से बाहर करता है। लेकिन अब ऐसी तो बात है नहीं कि सेल को उन्हीं सब्सटेंसेस की जरूरत है जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस का यूज करते हैं। यहां पे हम लोग देखें तो इंटेक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देखें तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको ब्राउन कलर से दिख रहे हैं और ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये आपके जो है मटेरियल है। ये क्या करता है, इसी ये प्रोटीन इन्हीं रिसेप्टर्स के मींस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक प्रोटींस होते हैं जो अपने द्वारा अपने आप ये कहें कि अपने द्वारा अपने ऊपर उनको बैठा करके क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करा देते हैं। ये आप देख रहे हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन की बात है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये मटेरियल्स को इन करा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब जिससे आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन से आप दूर ना रहें। अगले वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा को विथ स्ट्रक्चर समझेंगे। तब तक के लिए आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सहृदय से धन्यवाद।